हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पिंकी विश्वास एंड आप देख रहे हैं पिंकी विश्वास बायोलॉजी। ये आप लोगों का मैं ट्रांसक्रिप्शन बता दी, रेप्लिकेशन बता दी। सेंट्रल डोगमा का जो तीन प्रोसेस था, आपका ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन था, उसका ट्रांसक्रिप्शन था और लास्ट था आपका ट्रांसलेशन। तो आज ट्रांसलेशन के लिए हम लोग को क्या जरूरत रहता है, आपका टी आर एन ए चाहिए, राइबोसोमल आर एन ए चाहिए। ठीक है, तो उसमें से टी आर एन ए का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। जब तक टी आर एन ए का स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तब तक आगे का जो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस है वो आपको नहीं समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं आपका टी आर एन ए कैसा होता है। ठीक, टी आर एन ए देखिए, टी आर एन ए या फिर इसका जो पूरा नाम है वो ट्रांसफर आर एन ए है। तो ट्रांसफर आर एन ए का देखो, आर एन ए क्या होता है, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक, ये चीज मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। आपका ट्रांसफर आर एन ए ये भी क्या है, आर एन ए ही है, जो क्या होगा सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो आर एन ए का अगर सिंपल मैं स्ट्रक्चर बताऊँ, देखो 5-3 डीएनए हो या फिर आर एन ए हो, आपका उसका तो प्राइम तो रहेगा 3-5 हो या फिर 5-3 हो। तो यहाँ पे ये क्या है आपका 5-3 प्राइम, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए रहता है। लेकिन ऐसा तो आरएनए है, लेकिन टीआरएनए क्या रहता है आपका, ऐसा सिंगल एक सीरीज में नहीं रहता है, लेटा हुआ नहीं रहता है। वो कैसे होता है, लूप, एंटीकोडन आपका लूप जैसे हो जाता है। ठीक है, जो 3D स्ट्रक्चर, एल लूप, एल स्ट्रक्चर, किसी किसी बुक में एल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, आपका क्या है 3D मॉडल स्ट्रक्चर दिया है, जिसका स्टडी करना क्या है काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है, इस आरएनए में ये देखिए, ये वाला, ये जैसे मैंने ये दूसरा कलर से बनाया है, तो ये वाला जो स्टैंड है, ठीक, ये जो आपकी कोडोन है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका, इसका और एक कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जिसके चलते ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री में मतलब बहुत बार समझाई हूँ, जैसे आपका ए टी है तो टी का उसका टी और ए उसका उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका ए टी सी आर जी है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी जी, उसके बाद आपका ए और टी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे थाइमिन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूरासिल है, तो यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो वो क्या बोला जाता है उसको, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये जो एरिया है देखिए, ये वाला एरिया क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये वाला रीजन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसके चलते वो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हमेशा कोशिश करता है कि वो उसके ऊपर आके अटैच हो, है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसके चलते ये जो लूप है कुछ इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ कर्ल फॉर्म में और 3D स्ट्रक्चर लूप, एल स्ट्रक्चर का लूप बना देता है। ठीक, तो यही कारण है जिसके चलते ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे लूप बना देता है। जहां पे आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो ऐसा फूला हुआ है क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक, जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, जिसके चलते आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका जो 3' प्राइम है, 3' प्राइम में आपका अल्कोहल ग्रुप अटैच रहता है। ठीक, राइबोसोमल जो आरएनए, आपको राइबोसोम डीऑक्सी राइबोस होता है जो डीएनए में प्रेजेंट है, और आपका ऐसा राइबोस शुगर होता है जो क्या होता है, आरएनए में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अल्कोहल तो प्रेजेंट है, तो 3' प्राइम पे क्या होगा, अल्कोहल। इसको हम लोग एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट बोलते हैं, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक, एमिनो एसिड क्या करेगा, यही प्राइम से आके अटैच होगा, बाइंड होगा, इसीलिए इस साइट को क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक, उसके बाद आपका ये वाला तीन जो लूप, आपको बड़े बड़े जो लूप देख रहे हैं, तीनों लूप का नाम याद करना है। देखो सीजी बोर्ड के लिए आप लोगों का ये जो स्ट्रक्चर है आपका 3 मार्क्स के लिए आ जाता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नीट के बेस पे बोलेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी ऐसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक लूप है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे टी लूप है, ये टी लूप है, राइट वाला आपका टी लूप, टी लूप को और दूसरा क्या बोल रहे हैं, राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। मतलब ये क्या करेगा, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा, राइबोसोम को पहचान करेगा, इसीलिए इस टी लूप का नाम क्या है, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, एंटी कोडॉन लूप, जहां पे भी एंटी वर्ड आ जाता है। कोडॉन देखिए, कोडॉन में आपका जैसे आपका क्या है, सी जी सी है, तो ये क्या है, एक कोडॉन है। अब इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, सी के नीचे जी, जी के नीचे सी, सी के नीचे जी, तो जी सी सी इसका क्या हो जाएगा, एंटी कोडॉन। सी जी सी इसका कोडॉन है, जी सी जी इसका क्या है, एंटी कोडॉन। ये चीज बता दी हूँ क्या क्या होता है आपका प्यूरिन और पाइरिमिडिन में, क्या क्या आपका नाइट्रोजनस क्षार होता है, जो साइटोसिन गुआनिन और साइटोसिन है, एडिनिन होता है, थाइमिन होता है, गुआनिन होता है, या आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जैसे मान के चलो आपका सी जी
और आपका क्या है, सीजीसी है, तो इसका उल्टा एंटीकोडन क्या लेके आएगा, यहाँ पे आपका लेके आ जाएगा जीसीसी। ठीक है, जीसीसी क्या क्या हो गया, सी यहाँ पे फिर जी जी होना चाहिए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा जीसीसी। तो ये इसका हो जाएगा एंटीकोडन। तो एंटीकोडन लूप मतलब जहां पे, यहाँ पे जो कोडन होगा उसका एंटीकोडन यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला लूप देखिए, इसका नाम क्या है, डी लूप है, टी लूप, टी के ऑपोजिट वाला डी लूप। डी लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, रिकॉग्निशन साइट। अमीनो एसिड बाइंड होगा इस साइट पे, जुड़ेगा इस साइट पे, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन सा साइट, आपका डी लूप करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचान करेगा। इधर राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा, ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा, आपका अमीनो एसिड को, यहाँ पे एंटीकोडॉन लाएगा और ये वाला क्या होगा, अमीनो एसिड बाइंड होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड हो के आगे जाके क्या बनेगी, लंबी चेन बनेगी, किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, तो इसमें और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दी हूँ। लूप जो होते हैं, लूप क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे जो लूप बना, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखो आरएनए जो क्या होता है, आपका स्मॉलेस्ट आरएनए है। ठीक है, आरएनए क्या होगा, स्मॉलेस्ट आरएनए, सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल आरएनए है, प्लस आपका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये था आपका टीआरएनए ट्रांसफर, आरएनए का स्ट्रक्चर। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, मतलब जैसे आपका क्या हो जाएगा, अब हम लोग कितना बना चुके थे, एमआरएनए बना चुके थे, एमआरएनए से अब क्या बनेगा, प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है वो कैसी होगी, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।